मर्जी से शादी की इनके साथ? जी तो जी सर आपको पता था इनकी पहले से शादी हो रखी है, तीन जी बच्चे हैं, फिर जी भी आपने शादी कर ली इनके साथ, हाँ क्यों? ऐसे है? इनकी पहली पत्नी से आपकी मुलाकात हुई, जी क्या बोला, क्या बातचीत हुई आपकी आपस में? कुछ नहीं बस आप वो पहले से हम जानते थे इनको, इनकी पत्नी को? हाँ आपको पता था इनकी पत्नी है, बच्चे हैं, सब पता था? हाँ तो आपकी पहली पत्नी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं उनको आपने? कोई अच्छा, ऑब्जेक्शन नहीं, हम इकट्ठे रहेंगे जहाँ भी रहेंगे। जी वो मतलब चाहती है कि हम इकट्ठे रहें? वो हम इकट्ठे रहेंगे, अगर उसको भी घर से निकाल दिया तो फिर कहाँ जाएगी वो, अच्छा, देखो फिर ना। अब भी आपके साथ ही रहेगी? हम इकट्ठे रहेंगे जहाँ भी रहेंगे। अगर घर जी से निकाल भी देंगे ना, उसने तो तो आपके साथ हाँ ही रहना उसमें है। मेरे सारे कहाँ रहने, कहते जहाँ पे वो जा रहा है उसके साथ रहे, ये बोलते हैं मम्मी तो पापा, कहते हैं इसको यहाँ से दफा करो, जहाँ पे वो रहता है उसको रहो। मैं तो रहता था जमीन में, पापा को इतराज नहीं, वो खुद कोर्ट में नौकरी करके, उनको पता है कि कोर्ट के आर्डर क्या है, ज्यादा तंगी इसको भाई को है। अच्छा हाँ अच्छा जी हाँ जी ये तो मसला ऐसा है। तो नहीं होगा कि आपने दूसरी शादी कर ली तो पहली को छोड़ दोगे, बच्चों और का दर सर दर क्यों कर छोड़ेगा, दोगे? तीन बच्चे हैं मेरे अपने, तीनों से छोड़े नगरोटे, अगर मैं नहीं उनको बनूं कौन बनेगा। अभी हम पुलिस स्टेशन नगरोटा के बिल्कुल बाहर हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, ये पुलिस स्टेशन नगरोटा है और यहाँ पे ये व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। ये इनके द्वारा हमें फोन करके यहाँ पे बुलाया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रजाक मोहम्मद है और रजाक हमने भाई हम कहाँ रहते हैं? रहते कटर बटाल में। कटर बटाल में। जी क्यों आए आप थाने में? सर शादी की है तो हाई कोर्ट ने हमें प्रोटेक्शन दी हुई है, तो शादी की, कोर्ट मैरिज किया? जी कोर्ट मैरिज की हमने, किससे की शादी आपने? ये शाजिया बेगम से। शाजिया बेगम। ये कहाँ से? अच्छा, जी है बिशना से, इनके दो घर, एक बिशना में एक है, साबा में, उधर मोहरगढ़ डेवल में। जी ये रिलेटिव है आपके पहले से या वैसे मुलाकात होगी? नेम रिलेटिव है, वैसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो जी आपकी इससे पहले भी शादी है? हाँ मेरी पहले की शादी हुई है, किससे हुई है शादी वो है आपकी? रुबीना अख्तर से। रुबीना अख्तर से। कितने जी बच्चे हैं आपके उससे? हमारे भी तीन बच्चे उसमें, कितने साल पहले शादी हुई है? वो 2015 में। 2015 में ही। जी फिर दोनों आपको क्या जरूरत पड़ी दूसरी शादी करने की? कुछ नहीं सर, थोड़े इसके घर वाले परेशान करते थे, थोड़े अफेयर भी था हमारा, तो अच्छा, उसी मसले में थोड़ा सा वो रोए मारते थे इसको, पिछले 3-4 साल से हमारा रिलेशन चल रहा था। माइके वाले मारते थे हाँ फिर? मायके वाले मारते थे इनकी भी कभी, शादी हो रखी थी? नहीं इनकी कोई शादी नहीं है। अच्छा। जी कभी भाई मारते थे, कभी मामा के घर में छोड़ते थे, कभी कहीं मतलब इस हिसाब से बांध के रखते थे। अच्छा, जी तो जी अब क्या हुआ यहाँ पे? अब यहाँ पे हम आए प्रोटेक्शन ले गए, तो एस एस साहब वास गए थे, उन्होंने क्या कर, घर में किया फोन, पापा को यहाँ पे आप लड़का शादी करके आया, अभी पापा और कर रहे हैं ड्रामे के, हमने इनको दिए फाड़ के दी। शादी कब हुई आपकी? ये हुई हमारी 2 जनवरी को हुई थी हमारी। 2 जनवरी को। जी तब से कहाँ थे आज तो तक? बाहर की थी शादी, तो अच्छा, प्रोटेक्शन नहीं मिली थी वहाँ से, तो अभी जम्मू में आके दोबारा यहाँ पे भी कागज कराए थे कम्प्लीट, तो प्रोटेक्शन लिया हमने जम्मू से। जी अब घर वाले ड्रामे कर रहे हैं, सो फाड़ के दे दिए सर, अगर फाड़ के दिए जो पहली बीबी है बच्चे, ये हम वहीं हाई पर रह रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जी जी जिसमें प्रोटेक्शन लिखी गई है। जी अच्छा, सर जी जी सारे डॉक्यूमेंट। अच्छा, फिर अब क्या हुआ यहाँ अब पे? वो भाई है का पटवारी डेली विजर, वो अच्छा, आगे इधर आगे तंग कर रहा डेली ठाणे। वेजर पटवारी। हाँ वो अच्छा, यहाँ अंदर आगे भी दाड़े मार रहा है कि इसको हम घर में नहीं आने देंगे तो हम इसको मारेंगे, जे आप वो है। एक बार भी इसको अपने घर नहीं लेके गए? नहीं अभी जाना था घर में लेके प्रोटेक्शन, मतलब पुलिस लेके जाना था हमने, अच्छा, वो अंदर आगे भी दाड़े मार के, क्या सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज क्या निकाल नाम सकते है हो आपका? आप? सर मजीद मोहम्मद। अच्छा, जी उनकी कहाँ ड्यूटी उसकी? नगरोटा में ही है। अच्छा, आपका जी सगा भाई है? मेरा सगा भाई है, छोटा है बड़ा है? वो बड़ा है, 5 भाई हैं, उसको अच्छा एक को एक दूसरा बोले, दोनों को ऑब्जेक्शन बस। अच्छा जी क्या जी ऑब्जेक्शन बोल रहे हैं वो? ये कि नहीं जी दूसरी शादी नहीं करनी है सर, कहाँ पे गुनाह लिखा है दूसरी नहीं कर सकते। जी जो जो अच्छा पापा की जमीन है वो है 35 कनाल, उसमें से 16 कनाल जो पापा के खाते में है, बाकी है आपको जो आपको पापा ने फरगती दे दी है? मुझे कोई पता नहीं फार्मी इसके नाले नहीं, या अभी दे रहे हैं कहाँ है वो वो डॉक्यूमेंट मुझे आपके? दिखाई नहीं अब तक इन्होंने ना दिए कभी, तो उसमें 35 कनाल में से 16 कनाल पापा के नाम है, बाकी है दादे के नाम है। हम तो जहाँ पहले रहते थे वो दादे की जमीन वही बातें रहते थे, अब उधर ही टेंट या जो भी हम उधर रखे, उधर मैंने मटेरियल भी डाला अपने लिए अलग से, मैं रहता था पापा के साथ पहले, अब जब शादी की अब कह रहा नहीं पापा का, नहीं जी हमने पहले से निकाला हुआ है सर, मेरे बच्चे हैं पहले आपके के, पापा आए यहाँ पे? उनको बुलाया हुआ ही नहीं, कहते हमने अच्छा फारिग दे दिया है, मैं अच्छा मकान में नहीं आ सकता, वो बाहर जो एक्स्ट्रा जिम उसमें रह लेगा, अच्छा पापा को इतराज नहीं है, भाई को इतराज है, पटवारी को इतना एक ही जाए। भाई को हाँ इतना? एक दूसरे मौलवी है, उसने बोला नहीं ऐसे नहीं करना दूसरी नहीं करनी थी, वो ज्यादा दाड़क देता है पटवारी, वो नौकरी का बड़ा मान है, मैं पटवारी हूँ जेब, इधर ठाणे के अंदर कैमरे निकाल सकते हो आप, दिखा सकते हो अंदर आगे भी दाड़े मार के गया वो। जी तो अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि इसको जिन जिन बंदों के मेरे नाम लिखा है, इनके 8 बंदे हैं, कौन इनसे कौन हमें है? खतरा है, कौन कौन है? एक साजिया के पापा और भाई, एक इसका अच्छा मामा और एक मामा का लड़का, और एक ताऊ है और एक ताऊ का लड़का है। अच्छा आपने इनकी फैमिली के विरुद्ध जाके शादी की है? जी जी वो घर वाले अच्छा मारते हैं कि नहीं इसके साथ शादी नहीं करनी है। अच्छा जी अच्छा तो
कहते हैं उसने शादी किया, इसको एतराज नहीं, मुझे एतराज नहीं। फिर इन इन लोगों से बचाने के लिए आपको कोर्ट ने और पुलिस को ऑर्डर किए हैं कि आपको प्रोटेक्शन दी जाए। जी सर, डीजीपी साहब को दिया है, एसएसपी साहब जम्मू को दिया है, एसएसपी साहब सांबा को, हमने 22 कहता पटवारी से जी। उसके बाद वो भी 315 गन रखी है उनका, वो बहुत रोक है, वो पता नहीं कैसे इसको दे दिए। पर्चा उस पर भी लगा, एक दो पर्चे लगे उस पर भी। आप खुद क्या काम करते हैं? मैं खुद मेरा अपना बिल्डिंग मटेरियल का काम है, गाड़ी है, टिप्पर है, ट्रैक्टर वगैरह। वो अब इस सब में पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं, पुलिस कह रहे हम प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन आपके घर वालों को क्या करें? मैं घर वाले बुलाओ, पापा को बुलाए, वो आए नहीं। वो कहते हैं हमने फारिग दे दिया, मेरे मकान में नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो जमीन है उसमें तो जा सकता हूँ मैं। अब 35 कनाल जमीन है, वो 35 पापा के नाम तो नहीं है। मैं तो पहले भी रहता था उधर, मटेरियल भी डाला, पहले ना रोक लेना था। अब क्या करोगे आगे? यही है कि 16 कनाल जो पापा के नाम है उसमें नहीं जाएंगे, जो एक्स्ट्रा जमीन है उसमें उसमें रहेंगे हम। जो दादा की है वो तो मिलेगी मेरे को, अभी हिस्से नहीं हुए, अभी हिस्से नहीं हुए। जो मेरा छोटा बेटा है वो भी दादा के ले सकता है, वो 16 कनाल में से अपने हिस्सा लेगा वो। हाँ, अभी भाई बोलते तू जा पहले कोर्ट में केस कर, तुझे देख लेंगे हम जी। ये रिक्वेस्ट है कि इनका नाम लिखा हुआ है एफआईआर पे कि इनसे खतरा है, तो ये बंदा अंदर आके दाड़े मार के इसको ना पकड़ा पुलिस ने, ना कुछ किया इसका इलाज। क्या कहना चाहोगे? आपने अपनी मर्जी से शादी की इनकी? जी सर। तो आपको पता था इनकी पहले से शादी हो रखी है, तीन बच्चे हैं जी, फिर भी आपने शादी कर ली? हाँ। क्यों? ऐसे है? इनकी पहली पत्नी से आपकी मुलाकात हुई जी? क्या बोला, क्या बातचीत हुई आपकी आपस में? कुछ नहीं बस। आप पहले से जानते थे इनको, इनकी पत्नी को? हाँ। आपको पता था इनकी पत्नी है, बच्चे हैं, सब पता था? हाँ। फिर अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं बस, भैया। कौन से भैया? जो इनके भाई हैं। क्या बोल रहे हैं वो? बोल रहे हैं कि इनको घर में नहीं जाने देना। क्यों नहीं जाने देना? आपने पूछा मैं कहाँ रहूंगी? आपने पूछा उनको मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी अगर मैंने शादी इसके साथ की है तो मैं? वो पहले वाइफ को भी निकाल रहे जबरदस्ती घर से, पहली वाइफ और तीन बच्चे उनको भी निकाल रहे हैं घर से, बाप के घर से। मैं यार बाप के घर से निकालना, जो जमीन है जो उसमें तो हम रहने दो, हमें टेंट डाल के ये नहीं इधर आई है साथ में, लेकिन वो बयान नहीं दे, वो कह रहे मैंने नहीं आना। अच्छा, आइए वो भी साथ में, इतने थाने बुलाया उसको भी। अच्छा। वो कह रहे मुझे बच्चे के सने घर से बाहर निकाल दे, मैं कहाँ जाऊँ? भाई ने पटवारी ने निकाला उसको, और मम्मी ने निकाला, पापा ने नहीं निकाला। पापा कह रहे जो एक्स्ट्रा जमीन है जो मालकी थे मेरा, मेरे से अलग उधर रह, टेंट लगा के लैस रह सकते हो। मम्मा और पटवारी मन की दोनों की चाल है ना जी। इधर ये है कि पूरी मालकी जमीन है, इधर कम से कम 20-30 लाख रुपये कनाल के हिसाब से रेट है, और देख रहे 35 कनाल है, सब जो खाएंगे ऐसे थोड़ा खाना देगा कोई जमीन इसको। अगर जो पटवारी हुए तो सारा गवर्नमेंट इसी को सौंप दिया है कि किसी की जमीन है किसी को तो घर से बाहर निकाल देगा जी। तो आपकी पहली पत्नी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम इकट्ठे रहेंगे जहाँ भी रहेंगे। अच्छा। जी वो मतलब चाहती है कि हम इकट्ठे रहें? वो हम इकट्ठे रहेंगे, अगर उसको भी घर से निकाल दिया तो फिर कहाँ जाएगी वो? अच्छा। देखो ना, अब फिर भी आपके साथ ही रहेगी? हम इकट्ठे रहेंगे जहाँ भी रहेंगे जी, घर से निकाल भी देंगे ना, उसने तो आपके साथ ही, उसने मेरे सारे कहा रहने, कहते जहाँ पे वो जा रहा है उसके साथ रहे, ये बोलते हैं मम्मी तो पापा, कहते हैं इसको यहाँ से दफा करो, जहाँ पे वो रहता है उसको रहो, मैं इधर रहते रहे जमीन में। पापा को इतराज नहीं, वो खुद कोर्ट में नौकरी करके, उनको पता है कोर्ट के ऑर्डर क्या है, ज्यादा तंगी इसको भाई को है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, ये मसला। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने दूसरी शादी कर ली तो पहली को छोड़ दोगे, बच्चों को दर्द दर्द छोड़ेगा? तीन बच्चे मेरे अपने, तीनों से छोटे नुकरोटे, अगर मैं उनको बनू कौन बनेगा जी? मतलब आपने उनको भी रखना है, इनको भी आपने इकट्ठे रहना, सबने जी। तो भाई के लिए क्या कहना चाहते हो, मतलब भाई के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे? पुलिस कार्रवाई करे, और ऊपर तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट है कि उसको अगर जो पटवारी डेली बेसिस उसको उकाद में रखे अपनी में, क्योंकि ये ना कि इसमें से अलग थाने के अंदर आके किसी को दाड़े मारे वो जी। तो मम्मा के खिलाफ भी कार्रवाई? मम्मा के खिलाफ नहीं ना कार्रवाई, वो तो भाई ने उठाया हुआ है। अच्छा। कि इसको निकाल देंगे तो पीछे से जमीन हम सांभेंगे। तो अभी आपने बोला ना मम्मा भी मतलब तंग कर, मम्मा वो इनकी चाल है, भाई ने बोला कि ऐसे से बोल, तो इसलिए वाइफ को भी गाली गुली लगा रही है मम्मा ने, मम्मा की रिकॉर्डिंग पड़ी मेरे से गाली लगा रही है। अच्छा। हाँ। किस वाइफ को? मतलब पहली पहली वाली को कल गफे निकाले और बोला कि कुत्ती को बाहर निकालो, मेरे पास इसी की रिकॉर्डिंग है। अच्छा। अगर जरूरत पड़ेगी मैं वो भी सुनाऊंगा आपको। नहीं, अब आप चाहते क्यों, मतलब बड़े भाई के खिलाफ कार्रवाई हो या बड़े भाई के खिलाफ कार्रवाई हो? इसने मम्मा का दिमाग माइंड वॉश किया, इनको ऐसे इसको भी निकालते हैं, दूसरे को निकालते हैं, तो पीछे से जैसे बड़ी बराना हमारी जमीन है वहाँ पे भी इन्होंने पटवारी ने मिलके वो मेरे हिस्से से वहाँ से आधी जमीन बेच दी, आधी उधर रही है जी, वो इधर से भी इसके बेचते हैं किसी तरीके से। थे अभी बाहर को गए वो जी, हम मुंशी अंदर ही है, जो जो जिन्होंने कंप्लेन को दी हमने। हाँ जी, हाँ जी, चले जी हम अंदर चलते हैं और मुंशी जी से बात जानने की कोशिश करते हैं क्या पूरा मामला है और पुलिस इसमें क्या कुछ कर सकती है। आइए अंदर चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं और आपसे पूरा वो बताएंगे आपको क्या कुछ उनसे हमारी बातचीत हुई है। तो पुलिस ऑफिशियल से जो हमारी बात हुई है उसमें इस मामले को लेकर के अगर हम बात कहें तो जिस तरह से कोर्ट के ऑर्डर्स जिस तरह से लाए गए हैं कि इन लोगों को जो है जिन्होंने साथ में शादी जो है ये की है इनको प्रोटेक्शन जो है वो दी जाए, वो कोर्ट ऑर्डर्स हैं। जहां तक मामला है ज़मीन का, ये एक ज़मीनी विवाद है जिसमें पुलिस का कोई भी जो इंटरफेरेंस नहीं हो सकती है,
हालांकि पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो दे रही है, लेकिन विवाद क्योंकि ज़मीन का है और मामला फारगती पिता जो है इस युवा का, वो कह रहा है कि इसको फारगती दे दी है, और जो युवा है जिसने ये शादी की है दूसरी, ये कह रहा है कि मैं जो मेरे दादे की ज़मीन है मैं वहाँ पे जाके जो है वहाँ पे रहूँगा, बेशक मेरे को ज़मीन में टेंट लगा के ही रहना पड़े, क्योंकि ये जिस तरह से युवा कह रहा है कि 16 कनाल समथिंग कुछ ज़मीन जो है वो फादर की है, उसके बाद जो है दादाजी की ज़मीन जो बाकी बचती है मैं उसमें जाके रहूँगा। लेकिन मामला फिर भी वेरीफाई करना है, रेवेन्यू का मामला है, रेवेन्यू से रिलेटेड है, जब तक नहीं उसमें छानबीन होगी, जांच होगी किसके हिस्से में कितनी ज़मीन आती है, क्या होता है, तब तक पुलिस जो है किसी भी तरह से इस मामले में जो है वो इस व्यक्ति को साथ जो है उस तरह का नहीं दे सकती कि आप जाके वहाँ पे रह लीजिए, क्योंकि सारे लोग जो हैं एतराज़ कर रहे हैं। पिता जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं, जिस पे ये आरोप लगा रहे हैं पटवारी पे, जो पटवारी इनका बड़ा भाई है वो यहाँ पे आया हुआ है, वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई इसने गलत किया है, ये दूसरी शादी इसको नहीं करनी चाहिए थी, इससे पहले भी इसने कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं जो नहीं करनी चाहिए, समाज में जो एक रेपुटेशन है इन लोगों की वो कहीं ना कहीं ख़राब किया, जिसके चलते पिता ने जो है इसको बेदखल जो है वो घर से कर दिया है। तो जो युवा क्लेम कर रहा है कि मैं वहाँ पे जाके ज़मीन में टेंट लगा के भी रहने को तैयार हूँ, मेरी दोनों बीवियाँ मेरे साथ रहने को तैयार हैं, लेकिन पुलिस जो है इसमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन तो दे रही है, लेकिन किसी की ज़मीन में या किसी ज़मीन में जाके बसने की जो है वो परमिशन नहीं दे सकती, क्योंकि पुलिस का ज़मीन के साथ कोई वो इंटरफेरेंस नहीं होती है। रेवेन्यू विभाग जो है इसमें पहले जांच करेगा किसके खाते में कितनी ज़मीन आती है, हिस्से में कितनी ज़मीन आती है, अभी तक कोई इसमें जो है हिस्से वगैरह नहीं हुए हैं, जिसके चलते पुलिस का जो वर्जन था वो भी हमने जो रखना ज़रूरी था, और पटवारी साहब जिन पे ये आरोप लगे थे उनका जो वर्जन था, हालांकि वो ऑन कैमरा नहीं आए, उनका वर्जन भी हमने आपके सामने रखा है। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।